निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। सड़क और पुल को बर्बाद करने वाला ये खूनी ओवरलोड ट्रक अब इंसान के जान का भी प्यासा हो गया। इस खूनी ओवरलोड ट्रक ने 3 महिलाओं की जान ले ली और जबकि 5 महिलाओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आप देख रहे हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस गाजीपुर की प्रस्तुति बिग ब्रेक। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचे या खरीदे, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सिटी ऑटोमोबाइल्स आरटीओ ऑफिस के सामने अतरौली गाजीपुर। ये खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से है, जहां NH-24 यानी जमनिया क्षेत्र के पास मंझरिया गांव में ओवरलोड ट्रक ने अपनी चपेट में 8 महिलाओं को ले लिया। इन 8 महिलाओं में से 5 तो गंभीर रूप से घायल हो गईं, लेकिन 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। उस मौत का मंजर ऐसा था कि जिसने भी देखा उसके रूह कांप गए। हमारे संवाददाता जफर इकबाल ने बताया कि अब तक ओवरलोड ट्रक से पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो रहे थे, लोग उस पर आपत्ति जता रहे थे, लेकिन अब ओवरलोड ट्रक लोगों की जान भी लेने लगा है। सड़क पर चलते हुए लोगों के ऊपर ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर चढ़ जाता है, जिससे लोगों की जान जा रही है। ताज़ा मामला आपके सामने है कि 8 लोगों को अपनी चपेट में लेने के बाद 5 को गंभीर रूप से घायल कर दिया और 3 की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के संबंध में स्थानीय लोग और ग्राम प्रधान ने उप जिला अधिकारी से मुआवजे की मांग की है। ग्राम प्रधान ने कहा है कि जिसकी मौत हुई है उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और साथ ही 20 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जो घटना स्थल ग्राम मंझरिया है वहां पर तत्काल ब्रेकर की व्यवस्था की जाए। 24 घंटे के अंदर इस मांग को उन्होंने पूरा करने के लिए बोला है और साथ ही कहा गया है कि सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक नो एंट्री लगाया जाए, क्योंकि इस समय गांव के बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी और सेना की भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, NH पर व्यायाम करते हैं, उनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ग्राम मंझरिया की घटना समाज के लिए सीख है और सीख है उन लोगों के लिए जो ओवरलोड ट्रक का समर्थन करते हैं। उनको ये ध्यान रखना होगा कहीं अगला नंबर उनके परिवार का ना हो, इस पे तत्काल रोक लगानी चाहिए। ओवरलोड ट्रक ने पहले भी कई लोगों की जान ले चुका है। पिछले दिनों वीर अब्दुल हमीद सेतु पर ओवरलोड ट्रक से टक्कर खाकर बाइक सवार की मौत हो गई थी और उसके साथ बैठा दूसरा व्यक्ति सदमे में चला गया था। ओवरलोड ट्रक कई जिंदगियां समाप्त तो करता ही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी देता है। लगातार समाज सेवियों द्वारा, मीडिया द्वारा ओवरलोड ट्रक के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है, लेकिन प्रशासन की आंखें अब भी बंद है और प्रशासन इस पर पूर्ण रूप से एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आ रही है।